आइए दोस्तों, अब हम अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है मतलब फंक्शन है अनपिवट टेबल वाला, अनपिवट कॉलम वाला, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला अनपिवट कॉलम, तो इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले डेटा है, डेटा में से हमने ईयर और क्वांटिटी निकाल ली है दोस्तों। अब इसको सबसे पहले हम ग्रुप करेंगे। ग्रुप में जाके हमें दोस्तों यहाँ पर ग्रुप करना है, बेसिक करना है, तो मैं ये एडवांस वाला हटा देना है दोस्तों, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अपना ग्रुप उसका नाम दे देते हैं दोस्तों, कॉलम का नाम मैंने इसमें डबल एस दिया है दोस्तों। उसके बाद सम दे देते हैं और ईयर दे देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो देखिए हमारा डेटा ग्रुप हो चुका है, ठीक है, ग्रुप में आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों इस डेटा को हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सेलेक्ट करके और इसको ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोज कर दिया हमने। और ये जो अब इसमें कॉलम कॉलम आ गया, तो इसकी जो हेडर है 2016 18 19, इसको सेलेक्ट करने के लिए होम में जाके यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं अपने अनपिवट कॉलम के रूप में। तो देखिए सबसे पहले जो कॉलम हमें करने हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस पे हम एक राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है अनपिवट कॉलम, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही था, ये पहले जैसे था वैसे ही आ गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं काट देता हूँ इसको एक बार, अगर आपको ईयर ऐसे मिले ऊपर और उनका डाटा नीचे ऐसे मिले मतलब एंटायर रो मिले, तब आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। आपको क्या करना है, जो जो कॉलम आपको करने हैं अनपिवट कॉलम करने हैं जो आपको, उसको आपको वन बाय वन करके सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनपिवट कॉलम पर क्लिक करना है, तो ये आपको आपका डाटा इस तरह फॉर्म में करके दे देगा। और आपको अगर नेम चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप अपने नेम चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और वैल्यू में यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है ये वैल्यू ही रहेगी। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहें तो इसमें भी आप डबल क्लिक करके क्वांटिटी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका जो डेटा टाइप है वो हमारा टैक्स है। अब इसको न्यूमेरिकल करने के लिए होल नंबर कर देते हैं, तो देखिए ये होल नंबर हो गया और इसका डेटा टाइप देखिए पहले से ही न्यूमेरिकल है क्योंकि ये डिजिट है। तो इस तरह आप अपने टेबल में अनपिवट टेबल मतलब अनपिवट कॉलम का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।